ये सर जो लेटे हुए हैं ये पान की दुकान के ऑनर हैं, तो इनसे मैं पूरी जानकारी लूँगा, कितना पैसा लगेगा, कितना समय होगा। ये लोकेशन होनी चाहिए, रोड के किनारे की लोकेशन है, ऐसी लोकेशन होगी तो आपकी दुकान और बढ़िया चलेगी। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप पान की दुकान करना चाह रहे हैं तो पान के दुकान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो हर जरूरतमंद के पास शेयर करिएगा, ताकि जो कोई भी पान की दुकान अगर करना चाहे तो उसके बारे में कितनी लागत लगती है। जैसा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से अवेलेबल हैं, जैसा कि जो आपने हमसे जो मेल किया था या मैसेज किया था, वो सारे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। कहने की कुल लागत कितनी होगी जिसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, बचत कितनी होगी, सामान कौन कौन सा लगेगा, दुकान में एरिया कैसी होगी और जगह कितनी लगेगी, कितना पान बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कौन कौन सा सामान दुकान में रखें, कितना सामान दुकान में रखें, कितने रुपए से दुकान स्टार्ट होगी और सामान कहाँ से उठाएं जहाँ पर अधिक प्रॉफिट होगा। तो सारी चीज़ें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये सर जो हमारे साथ बैठे हैं, ये सर जो है इनकी खुद की दुकान है, तो भाई हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से जो मैं सीधे दुकानदार से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ और को जो है पूरी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। ये दादाजी जो हैं यहाँ पड़ोस के हमारे थोड़ी घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो मैं इनसे पूरी जानकारी लेकर के आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इनके लिए मैं ये वीडियो इन तक जरूर भेजूंगा, इनके लिए जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हर जरूरतमंद के पास शेयर करिएगा। तो दादाजी बताइए, इसमें जो है मतलब अगर दुकान वीआईपी दुकान खोली जाए तो इसमें कितनी लागत लगेगी? कम से कम पान एक दुकान खोलेगी। हाँ, वीआईपी दुकान जैसे खोली जाए मार्केट के अंदर 25-30 हज़ार। वैसे सिर्फ पान की जर्नल दुकान अगर खोली जाए तो कितनी लागत लगेगी? जर्नल सिर्फ पान की, मतलब उस पर ये जो है नमकीन वगैरह ना हो तो कम से कम 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार अगर सिर्फ पान ही की दुकान खोली, जैसे पान या गुटखा वगैरह की दुकान, तो 5 हज़ार में हो जाएगी। 5 हज़ार रुपये में, यानी कम से कम 5 हज़ार रुपये में अगर सिर्फ जो है जैसे कि पान का ही सामान रखें उसमें, जैसे मतलब और सामान हम रखे हुए हैं, सिकरट है उसमें रहेगी। हाँ हाँ, मेड़ी भी रहेगी। अच्छा अच्छा, पान पुड़िया का माफू रहेगी 5 हज़ार रुपये की। तो 5 हज़ार रुपये लगाने के बाद कितना बजट बच जाता है? जैसे कि 5 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपने बताया, कम से कम 5 हज़ार रुपये लगा करके अगर दुकान खोली जाए तो उसमें कितना कस्टमर का बच जाएगा? कस्टमर तो बिक्री के ऊपर होगा। अच्छा अच्छा, मान लीजिए आज दिन भर में जैसे कि 500 पान उसके सेल हो जाते हैं, सिर्फ पान 500 सेल हो जाते हैं तो कितना बच जाएगा? 500 मतलब वीआईपी पान अगर लगाया जाए और एक पान 5 रुपये का बिके। हाँ, तो 500 1 रुपया 5 रुपया 1 रुपया मतलब बचेगा तो बचेगा। अगर उसमें डली या कुछ कम डाला जाए तो ज़्यादा बच जाएगा। अच्छा, ज़्यादा बच जाएगा। तो इसमें जैसे कि दो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, इसमें कुल लागत और बचत। अच्छा, सामान कौन कौन सा रखा जाए पान की दुकान में? जैसे कुछ सामान जो है जनरल जो सामान रखे जाएंगे आप बताइए। आप दुकान में तम्बाकू तो रखे हैं, तम्बाकू पान की कौन कौन सी तम्बाकू लगेगी? लगभग 32 है, 24 है, 32 है, 300 है, 90 है। अच्छा अच्छा, है। अच्छा, बहुत से टमाटर आते हैं जो जैसे एरिया हो वैसा ही चलाना पड़ता है। पान भी कितने क्वालिटी के लगते हैं? जैसे पान भी कई क्वालिटी के, पान बहुत क्वालिटी के लगता है, सब अच्छा। खाने वाले सब जगह नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, जहाँ जैसे खाने वाले हैं वैसे हिसाब से सामान रखा जाता है। जैसे पान, जैसे कि मीठा पान भी होता है और होता है, तम्बाकू होता है। जी जी, तो मीठा पान में कितना बच जाता है एक पान के? मीठा पान में है उतने ही बच जाता है। अच्छा, दोनों में कॉम्बिनेशन लगभग बराबर है। अच्छा अच्छा, इसमें जगह कितनी लगेगी? जैसे एक दुकान, ये कितनी दुकान लंबी चौड़ी है? जगह कितनी लगेगी? रोज रात तरी खरीदे पानी दुकान वाले हो, लगभग 2.5-3 हाथ लंबा और 2.5-3 हाथ चौड़ा। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक, चलिए ठीक है। और इसमें जो है ये दो आपके प्रश्न क्लियर हो गए। हमने टाटा 7 नंबर पे जो है कौन कौन सा सामान रखे हो तो आपने बता दिया, और कितने बजे कितनी टाइमिंग रहेगी दुकान खोलने की? जैसे कि सुबह से 10 बजे तक। अच्छा, मतलब सुबह 10 बजे स्टार्टिंग करें? नहीं, सुबह से 10 बजे रात तक खुले तो चलते हैं। अच्छा, 10 बजे रात तक। अच्छा ठीक है, कितनी? जैसे कि सर ने बताया कि अगर मॉर्निंग में 8 बजे या 6 बजे। हाँ, वो तो अपने ऊपर है, जब तक सवेरे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, कम से कम जो है दुकान मॉर्निंग में 6 बजे खुलनी चाहिए, क्योंकि देहात की दुकान है अगर 6, सिटी की दुकान भी 6 बजे जो है मॉर्निंग में खुल जानी चाहिए, क्योंकि ट्रक ड्राइवर वगैरह जितने भी होते हैं सब मॉर्निंग में जो है निकलना चालू कर देते हैं। तो मॉर्निंग में 6 बजे खुलने के बाद नाइट जो है लगभग 10 बजे तक, 10 बजे तक दुकान खुलनी रहनी चाहिए। इसके बीच में जो है लगभग अगर मार्केट में आदमी दुकान खोलता है तो दिन भर में कम से कम जो है 500 से 700 पान आराम से सेल कर सकता है। तो बिक्री के ऊपर है, जैसे गांके के ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए पान से चलिए 1 रुपये, 3 मान लीजिए, कम से कम जो है मार्केट में 300 पान उसने सेल कर दिया, 300 रुपये बच गया।
अब 300 सिगरेट और जो है मसाला गुटखा वगैरह सिगरेट है गुटखा, इससे आदमी कितना कमा सकता है? बहुत कमा सकता है जो साहब बिक्री हो जाए गुटखा पान की। अच्छा, जैसे एक एक पैकेट कितने का खरीद के आप लाते हैं गुटखे का? डेढ़ सौ का। उसमें कितने बच जाते हैं? उसमें 20 रुपये। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि 150 रुपये का ये पैकेट खरीद के लाते हैं और उसमें से इनको जो बचता है 20 रुपये, 150 रुपये जो है बच जाता है। कितना पैकेट यहाँ पर आपके सेल हो जाते हैं जैसे कि रोड के किनारे दिन भर में? अरे तू बताए तो बिक्री के ऊपर होता, कभी एको हो जाए कभी दो हो जाए। अच्छा, मतलब ये ओवर इनकम है, जैसे कि पान की दुकान पे ये ओवर इनकम है कि जो आप एक्स्ट्रा पैसे यहाँ से जैसे पान या सिगरेट, और सिगरेट से कितना सेल करके जैसे एक डिब्बी सिगरेट आप कितने की लाते हैं? जैसे बहुत कम क्वालिटी वाली सिगरेट कैपिटल मूवमेंट है, ऊपर 8 रुपये बचते हैं एक डिब्बी पे। 8 रुपये खरीद के कितनी लाते हैं? 62 रुपये की खरीद के लाते हैं, उस पर जो है आपको 8 रुपये बच जाते हैं। यानी जो भी आप काम करते हैं उस पर कम से कम बचत इसमें 20% की हो जाती है, यानी 20% रुपये आप आराम से बचा सकते हैं। जैसे पान की जो है दुकान करते हैं तो इस पर भी तो महीने में लगभग जो है अगर 500 रुपये रोड रखा जाए मतलब पूरे से तो लगभग 15,000 रुपये आराम से इंसान जो है इससे कमाई कर सकता है। बताए तो वो तो बिक्री ऊपर है, बिक्री ना उतनी हुई तो कहाँ 15,000 रुपये। हाँ ये बात सही है, लेकिन हमारे हिसाब से आप ये बताइए कि जैसे कि जो लोग नौकरी करते हैं या अड्डे पर रोड के किनारे खड़े होकर के जो है लोग आते हैं उनको लेकर के जाते हैं, उनसे गड्ढा खुदवाते हैं, रोड छिलवाते हैं, ठीक है, उससे अच्छा काम है या नहीं है ये? हाँ उससे अच्छा तो काम है, मतलब जो है खुद के मालिक को जब चाहे खोलो जब चाहे बंद करो। हाँ तो मनमाननी है। जी जी, तो हमारा कहने का मतलब ये कि आप जो है नौकरी को छोड़ करके, मतलब नौकरी अगर पास गवर्नमेंट जॉब है या कोई VIP जॉब है, कोई ऑफिस वर्क है तभी आप करें, वरना जो अपना बिजनेस खुद का जो है करते रहें। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए बारे में आप सोचें कभी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? आगे बढ़ाने जब दाम हो गया तब बढ़ेगी आगे। अच्छा अच्छा, दाम ना हो गया तो बढ़ेगा। हाँ ये भी बात सही है। जैसा कि सर ने बताया कि इनके पास प्रेजेंट टाइम में पैसे की प्रॉब्लम, इस वजह से इस जो है शॉप को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ अगर दुकान को डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि जितने भी दुकान के इंटरव्यूज होते हैं उनको मैं एक सजेशन देता हूँ, तो आपको भी देना मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट जो भी हो जहाँ पर निमंत्रण छपते हैं वहाँ पर संपर्क करिए। बहुत सारे जो बफर सिस्टम आज की डेट में जितनी भी शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर लगभग 80% क्या होता है बफर सिस्टम होते हैं, और बफर सिस्टम में 80% में कम से कम 50% लोग ऐसे होते हैं जो पान गुटखा सिगरेट का जो है फ्री में जो है वहाँ पर लगवाते हैं। तो उनसे संपर्क कर लीजिए कि मैं इतने पान पर इतने रुपए आपसे लूँगा, इतने पान अगर जो कोई खाता है उसे खिलाऊँगा, तो वहाँ से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। जितनी बुकिंग आएगी आपके पास उसी तरीके से आपका पैसा बचता रहेगा। तो आप यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं आप सोच सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आया वो भी मैं आपको कम्युनिटी टैब में दे दूंगा। जो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।